आपका चैनल का नाम? तो गाइस नीचे चेक करो, टॉय ट्रेनर है, आप देख सकते हो कितना बड़ा है यहाँ पे नीचे से। तो ये है स्कूल। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द ओनली वन राइडर। तो आज है संडे और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है। मैं अभी घर से निकल गया हूँ, तो मैं आज जाने वाला हूँ कर्सियांग। आज आप सबको कर्सियांग दिखाऊंगा, एंजॉय कीजिएगा वीडियो को। मैं अकेले ही जा रहा हूँ, मौसम बहुत ख़राब हो रखा है। अगर मौसम ख़राब हुआ तो थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। तो गाइस अभी मैं पहुँच गया हूँ दार्जिलिंग मोड़। यहाँ से हम लोग को अगेन राइट लेना पड़ेगा सुकना की रोड की तरफ। इधर से कर्सियांग जाएंगे हम लोग। तो पहले वाले वीडियो में आप ये रोड देख ही चुके होंगे। जाने वाला था मिरिक, पर मिरिक नहीं जा पाया बारिश के चलते। उसके बाद मैं गया था रोहिणी लेक, तो रोहिणी लेक पे मैं वीडियो बनाया, दिखाया आप सबको। तो आज मैं जा रहा हूँ कर्सियांग, जो इंडिया का मोस्ट पॉपुलर हॉन्टेड प्लेस है, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। कर्सियांग यहाँ से 45 किलोमीटर। तो ये कर्सियांग के बारे में आप गूगल कर सकते हो। इंडिया में कर्सियांग हॉन्टेड प्लेस में 2 या 3 नंबर पे आता है, आप एक बार गूगल करके देख लीजिएगा। तो आज मैं वहीं पर ही जाने वाला हूँ। पूरा क्लाउडी हो रखा है, लगता है सामने कहीं पर बारिश हो रहा है। अभी तो मैं जा ही रहा हूँ हिल साइड पर, तो ऊपर तो श्योर एकदम बारिश मिलेगा ही मिलेगा, पक्का। मेरे को अभी से ठंड लग रहा है और ऊपर तो और भी ठंड होगा। और मैं आज पहन के आया हूँ हाफ टी शर्ट। अर्शियंग है 36 किलोमीटर, मिरिक है 50 किलोमीटर, दार्जिलिंग है 69 किलोमीटर यहाँ से। तो बारिश गिर रहा है, कहीं पे रुकना पड़ेगा अभी। 1 hour later। तो गाइस सामने आर्मी कैंप है, तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है। आर्मी कैंप पार करके उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। इस आर्मी कैंप ख़त्म हो चुका है, तो देख सकते हो गाइस बारिश हो रहा है थोड़ा थोड़ा करके। तो शायद कहीं पर रुकना पड़ेगा मेरे को। बहुत ज़ोर से बारिश आ गई है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा रुका हुआ हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर वेट करते हैं बारिश कम हो जाए, उसके बाद यहाँ से मैं निकलूँगा। इतना अच्छा लग रहा था राइड करने में, लेकिन बारिश आके पूरा काम बिगाड़ दिया गाइस। यहाँ पे होता था कोविड टेस्ट, तो अभी तो कोविड नहीं है, इसलिए अभी कोविड टेस्ट नहीं होता है। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, लग रहा है थोड़ा बारिश कम हो गया। तो हम लोग को जाना पड़ेगा राइट, और राइट जाता है कर्सियांग, और स्ट्रेट चले जाओगे तो आप चले जाओगे मिरिक दूधिया। तो गाइस ये रोड मैं पार कर लिया हूँ, तो अभी मैं टोल गेट में पहुँचने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू दार्जिलिंग। इधर से आप कर्सियांग पार करके ऊपर आप दार्जिलिंग भी जा सकते हो। ये है टोल गेट। अभी हम लोग हिल्स पे चढ़ रहे हैं। सामने एक माउंटेन चेक करो यार, कितना ऊंचा है, यहाँ से माउंटेन दिख रहा है। अभी मैं धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा हूँ। यहाँ का व्यू चेक करो यार, पता नहीं कैमरा में दिखाई दे रहा होगा अच्छे से कि नहीं। पहाड़ का रास्ता एकदम खतरनाक होता है, इसलिए अगर आप लोग आते हो तो थोड़ा संभल के बाइक चलाइएगा, धीरे धीरे चलाइएगा। और ये सब जो मोड़ है, तो मोड़ में अपना गाड़ी का हॉर्न बजा के उसके बाद टर्न लीजिएगा। तो गाइस मैं बोल रहा था कि मेरे 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुका है आप लोगों के सपोर्ट के वजह से। थैंक यू सो मच गाइस, मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। आगे भी वीडियो अच्छी और भी मैं बनाऊँगा और आप सबको देखने को मिल जाएगा। अभी तो 100 हुआ है, 200 भी क्रॉस कराइए जल्दी से। और ये आगे का व्यू चेक करो एक बार। ये एक बार चेक मारिए गाइस, ऊपर से झरना गिर रहा है। ये सब पहाड़ का पानी आ रहा है एकदम ऊपर से। ये व्यू देखो गाइस, अभी हम लोग कितना ऊपर आ चुके हैं। ऊपर हम लोग को चारों तरफ माउंटेन ही माउंटेन दिख रहा है। ठंडा लग रहा है थोड़ा बहुत करके। गाइस यहाँ का एक बार व्यू चेक मारो। और वो जो दिख रहा है आपको वहाँ पे, वो है हम लोग का सिलीगुड़ी का पूरा एरिया है। और वो जो लंबा दिख रहा है आपको, वो नदी है। तो गाइस अभी मैं पहुँचने वाला हूँ आई लव कर्सियांग। तो ये है आई लव कर्सियांग। तो यहाँ पे मैं रुकूंगा नहीं, सीधा ऊपर जाऊँगा। गाइस अभी मैं रुका था थोड़ा सा यहाँ पे, और यहाँ पे इतना ठंडा लग रहा है कि क्या बताऊँ। और मैं पहन के आया हूँ ये हाफ टी शर्ट, मेरे को थोड़ा मोटा कुछ पहन के आना चाहिए था। और यहाँ पे बहुत ज़ोर से हो गया है बारिश। तो बहुत रुकना पड़ा इधर उधर और लेट हो गया मेरा बहुत। तो अभी मैं निकलूँगा, कर्सियांग अभी तक पहुँचा नहीं हूँ, पहुँचने वाला हूँ मैं। तो चलो थोड़ा सा सामने जाते हैं और आपको दिखाता हूँ। और पीछे का एक बार मेरा व्यू चेक कीजिए, ऊपर जो वो दिख रहा है आपको वो है कर्सियांग सिटी। मेरे चारों तरफ है माउंटेन माउंटेन। और नीचे का रोड एक बार चेक करो, और वो जो दिख रहा है आपको वहाँ पे वो है आई लव कर्सियांग। वहाँ पे मैं रुका नहीं क्योंकि वहाँ पर भीड़ बहुत था, लौटते वक्त वहाँ पे खाली रहा, तो मैं आप सबको दिखाऊंगा। तो चलो अब यहाँ से निकलते। तो गाइस एंटर होने वाला हूँ कर्सियांग में। तो देखिए यहाँ पे वोट है वेलकम टू कर्सियांग। तो स्ट्रेट चले जाओगे तो आप कर्सियांग सिटी में पहुँच जाओगे। तो अगर आप ये रूट से जाओगे तो आपको हनुमान मंदिर मिलेगा। ये है कर्सियांग सिटी। कर्सियांग है यहाँ से 1 किलोमीटर, सोनाटा है 16 किलोमीटर, दार्जिलिंग है 33 किलोमीटर, घूम है 26 किलोमीटर। मेरे राइट हैंड साइड में जो आपको ट्रेन का जो पटरी दिख रहा है ये टॉय ट्रेन का पटरी है। ये यहाँ से सीधा दार्जिलिंग जाता है, दार्जिलिंग से सिलीगुड़ी। तो अभी मैं एंटर हो चुका हूँ कर्सियांग सिटी में। तो गाइस सामने जो दिख रहा है आपको ये है कर्सियांग स्टेशन। तो इधर से हम लोग को राइट जाना पड़ेगा, मार्केट है। और इधर से अगर ये गली में लेफ़्ट चले जाओगे तो आप यहाँ पे एक पार्क है, तो पार्क में जा सकते हो। ईगल क्रैकर नाम है पार्क का। और ये है कर्सियांग का मार्केट, न्यू R15M। ये कर्सियांग का मार्केट है, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अभी मैं जाने वाला हूँ डाउ हिल, वहाँ पे विक्टोरिया बॉयज स्कूल है। तो इधर से मेरे को अभी राइट लेना पड़ेगा। तो ये है वन वे, इधर से अगर आप एक बार निकल जाओगे तो दोबारा नहीं आ सकते, आपको ऊपर से जाना पड़ेगा। यहाँ से फिर राइट, अभी हम लोग को ऊपर जाना पड़ेगा। चेक करो, सेंटर हो चुका हूँ मैं डाउ हिल। देख सकते हो आप लोग कितना बड़ा बड़ा पाइन ट्री है यहाँ पे। और यहाँ पे आने से ठंड बहुत बढ़ गया है और अंधेरा हो गया थोड़ा थोड़ा, ऐसा लग रहा है। तो ये है स्कूल, देख सकते हो डाउ हिल स्कूल, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। डरा दिया मंकी ने। और विक्टोरिया बॉयज स्कूल जो है वो अंदर की साइड है। यहाँ पे तो अभी तो स्कूल चालू है, वैसा कोई अभी हॉन्टेड कुछ नहीं है। ये हॉन्टेड वॉन्टेड था बहुत पहले का बात, अभी ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। स्कूल चालू है, बच्चा लोग आता है यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई करने। मैं पहले जब आया था तब देखा था बच्चे लोग यहाँ से पढ़ाई करते हैं। स्कूल के सामने से ही एक रास्ता है, ये रास्ता। इस रास्ते से थोड़ा सा आगे जाते ही आपको विक्टोरिया बॉयज स्कूल अंदर मिलेगा। वहाँ पे चर्च भी है। गेट में तो गार्ड रहता है, सिक्योरिटी गार्ड। तो अगर वो घुसने दिया तो हम लोग घुसेंगे, नहीं दिया तो नहीं दिखा पाऊँगा, कभी और दिखाऊंगा मैं आप सबको। चेक करो गाइस, हॉन्टेड के जैसा तो लगता है ये जगह, पर अभी वैसा कुछ नहीं है। अभी ये टूरिस्ट प्लेस हो चुका है, यहाँ पे बाहर से बहुत जन आते हैं देखने जगह को। तो यही है अंदर विक्टोरिया बॉयज स्कूल। तो गाइस देख सकते हो ये है विक्टोरिया बॉयज स्कूल, अभी यहाँ पे बंद है तो अंदर नहीं जा सकते हम लोग। तो मैं डाउ हिल गया था इधर लेफ़्ट साइड से, अभी फिर से इसी रोड से जाना पड़ेगा नीचे। चलो अब आपको नीचे जाके मिलते। अब हम लोग को यहाँ से लेना पड़ेगा लेफ़्ट। तो ये जो सामने दिख रहा है इधर से सीधा जाना पड़ेगा। तो गाइस ये रोड चला जाता है ईगल क्रैकर के पार्क में। ये एक स्कूल है। तो हम लोग को अभी राइट साइड पे जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड नहीं, राइट साइड। अब लेना पड़ेगा हम लोग को लेफ्ट। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं ईगल क्रैक। ये है पार्क और वहाँ पे एक वॉच टावर। पार्क ओपन होता है 10 बजे सुबह, उसके बाद क्लोज हो जाता है 4:30 बजे। अभी टाइम हो रहा है 4:40, तो पार्क हो गया है क्लोज, गेट बंद हो गया है, अभी अंदर घुसने नहीं दिया है। तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ और कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे टाइम वेस्ट करके। यहाँ पे हवा बहुत चल रहा है, ठंडा बहुत है, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। चलो तो गाइस यहाँ से लेंगे राइट। तो गाइस इधर से अब हम लोग को लेना पड़ेगा लेफ़्ट। आप हनुमान मंदिर इधर से भी जा सकते हो और जिधर कर्सियांग सिटी आप उधर से भी जा सकते हो। दोनों तरफ से रास्ता है। इधर का रोड देखो एक बार कितना ऊंचा ऊंचा एकदम। ऊपर है हनुमान जी का एक बहुत बड़ा स्टैचू, तो वही मैं आपको दिखाऊंगा। और नीचे है मंदिर एक छोटा सा, और सामने का व्यू एक बार चेक मारो। माउंटेन काट के कैसा रोड बनाया है देखिए। तो अभी गाइस मैं हनुमान मंदिर जाने वाला था ऊपर, तो ऊपर जाते टाइम मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुका हूँ। तो एक बार नीचे का व्यू चेक करो कैसा है। तो ये है पूरा कर्सियांग सिटी, आप लोग देख सकते हो। और वो जो दिख रहा है आपको वहाँ पे, वो था वो पार्क जो अभी बंद हो चुका है। तो चलो गाइस ऊपर चलते हैं, उसके बाद मिलते हैं। गाड़ी का हालत चेक कीजिए गाइस, बारिश में पूरा गीला गीला हो चुका है। और कीचड़ देखो एक बार अंदर तक चला गया कीचड़, देख सकते हो। गाड़ी अच्छे से घर जाके धोना पड़ेगा। जितना रात होगा यहाँ पे उतना ठंड बढ़ेगा। ये है हनुमान मंदिर, पहुँचने वाला हूँ मैं। तो गाइस ये है हनुमान मंदिर, देख सकते हो। तो बस ये है मंदिर, ऊपर चेक कर सकते हो आप लोग। हनुमान जी का बहुत बड़ा स्टैचू है और यहाँ पे लिखा हुआ है। ये है कर्सियांग सिटी, यहाँ से पूरा दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से। तो बस ये देख सकते हो, ये सब है चाय बागान। तो दार्जिलिंग में सबसे ज़्यादा फेमस यही है चाय बागान। और ये है हनुमान जी का स्टैचू, देख सकते हो कितना बड़ा है। ये भी हनुमान जी का ही मंदिर है, छोटा सा है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव कर्सियांग। तो यहाँ पे एक भैया मिला, तो भैया बात की। आपका चैनल का नाम हा? आपका चैनल का नाम सरोज भुजेल। अच्छा अच्छा, तो आप यहीं के हो क्या बाहर के? मैं भी सिलीगुड़ी का हूँ। सिलीगुड़ी मतलब सुबह निकला था 2 बजे पूरा। बहुत अच्छा प्लेस है, आप लोग आइए। तो ये मेरा बाइक है, और जो वो भैया है, वो भैया का भी भीतरी है। आप देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कितना बड़ा है। यहाँ पे नीचे से वो दिस इज माई ब्यूटी। तो यहाँ से अभी निकलूँगा। अच्छा लगा यहाँ पे घूम के थोड़ा बहुत। तो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ हनुमान मंदिर से। अभी सीधा जाऊँगा मैं एकदम नीचे। नीचे जाने के बाद आपको मिलता हूँ, कुछ खाएँगे। खाने के बाद सीधा जाएंगे घर। ऊपर कुछ भैया मिल गए थे, वो भी यूट्यूबर ही है, तो बात किया। अच्छा लगा मिलके। अच्छा लगता है अगर कोई मिलता है तो अपने ग्रुप का। तो गाइस नीचे चेक करो, टॉय ट्रेनर है, चेक कीजिए गाइस। ये है टॉय ट्रेन। देख सकते हो, दिस इज टॉय ट्रेन। 1 hour later. तो गाइस अभी मैं यहाँ पे एक रेस्टोरेंट पे रुका था। यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने मोमो खाया। मोमो बहुत अच्छा था, तो आप लोग भी आ सकते हो, यहाँ पे मोमो खा सकते हो। कहाँ पे खाना है आपको? ये जो आपको आई लव कर्सियांग जो दिख रहा है यहाँ पे सामने, इसके ऑपोजिट साइड ही आपको एक इस टाइप में एक रेस्टोरेंट मिलेगा। यहाँ पे आप लोग खा सकते हो। रीजनेबल रेट पे आपको सब कुछ खाना मिल जाएगा, मोमो चाउमीन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। तो गाइस अब यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। चलो तो गाइस यहाँ से अभी मैं निकल चुका हूँ, तो अब जाएंगे घर की तरफ। तो थोड़ा मैं सामने दिखा देता हूँ आपको आई लव कर्सियांग। तो वैसे एक बार यहाँ का व्यू चेक करो, एकदम कितना बढ़िया है। अब यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ पे है आपके सामने आई लव कर्सियांग। तो अब यहाँ से निकलते, तो अब मैं आपको सीधा नीचे मिलता हूँ। चलो तो ये रोड आप लोग को दोबारा दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब नीचे चलते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैं सीधा अपने सिटी सिलीगुड़ी पे। तो गाइस मैं अभी पहुंच चुका हूं सुकना, तो यहां से सीधा जाऊंगा मैं घर अभी। तो गाइस मैं घर आ चुका हूं। आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय दोस्तों।